ओके okay, क्या अभी मेरी आवाज आ रही है ओके सो एम आई ऑडिबल क्या अब मेरी आवाज दोस्तों आ रही है ओके ओके यस 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 थैंक यू सो आई थिंक मेरी आवाज एंड प्रेजेंटेशन uh, सब कुछ ओके okay है यस yes, आ रही है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड कि एक नया इनिशिएटिव है जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले से ही हमने स्टार्ट किया है नया इनिशिएटिव दैट इज कि हम सुबह ग्यारह बजे यानी कि डेली ग्यारह बजे एक नई ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे उपस्थित होते हैं हाजिर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वेदर इट इज हेल्थ केयर और एग्री और यानी कि एनडीओ जो हर ट्यूजडे हम कर रहे हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम सो so दोस्तों आप देखते होंगे शाम की मीटिंग में आठ बजे आपको बहुत सारी मीटिंग्स में मोटिवेशन ही मिलता है और भी सारे टॉपिक्स हम बात करते हैं यू नो you know, आई आईबीओ होती है शाम को बट सुबह की जो ट्रेनिंग है ग्यारह बजे इसमें जो रियल नॉलेज इस बिजनेस को करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको सीखने के लिए निरंतर मिलेगी सो आप आ, अपनी टीम के लोगों को इस मीटिंग के बारे में 11 बजे की जो मीटिंग होती है सुबह उसके बारे में बता सकते हैं सो आज जो हम सभी लोग कनेक्ट हुए हैं वो कनेक्ट हुए हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरियंटेशन प्रोग्राम के बारे में सीखने के लिए समझने के लिए और जैसे कि इसका नाम है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरियंटेशन यानी कि हम जो लोग इस बिजनेस में नए हैं नया ज्वाइन किया है तो सीखने के लिए तैयार हैं कुछ करना चाहते हैं एस एस पी के अंदर एक बड़ा नाम करना चाहते हैं और वो सपने जिनको देख के हम इस बिजनेस में आए हैं उनको रियल मायने में यू नो हम अचीव करना चाहते हैं एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर यू दोस्तों बिल्कुल और मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप आज इस मीटिंग में आए बिकॉज अगर आप सीखने के लिए तैयार है ना दोस्तों तो आपको दुनिया में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है जी हाँ सो so, अगर मैं बात करूं आ, आगे बढ़ते हुए अगर स्टार्ट करूं आज की मीटिंग को सो so, सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि वेल बिगन इज हाफ डन यानी कि हमने एस एस पी एल को ज्वाइन तो कर लिया है हैल SS, को करने का सर्वसरी को करने का हमने यू नो इच्छा तो बना ली है लेकिन इच्छा के साथ साथ अगर मजबूत इरादा बनाना है तो हमको समझना होगा कि अगर हम एक सही शुरुआत कर लेते हैं अगर हम एक सही शुरुआत करते हैं दोस्तों तो इस बिजनेस में हमारी जो सफलता के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यानी कि कहा गया है वेल बिगन इज हाफ डन यानी कि एक सही शुरुआत हो जाए तो आपने आधा रास्ता तय कर लिया है कहते हैं ना कि सही शुरुआत बहुत जरूरी है अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है और आप देखते होंगे कि टीम फोकस करती है जो बैटिंग वाली साइड होती है वो पावर प्ले में एक अच्छी सॉलिड शुरुआत टीम को देने की प्रयास करती है और ऑन द अदर हैंड जो बॉलिंग साइड होती है फील्डिंग साइड वो सोचती है कि शुरुआत में मुझे एक दो विकेट मिल जाए तो सामने वाले प्रेशर में डाल सकता हूँ सो उसी तरीके से एस एस पी एल बिजनेस के अंदर भी अगर हमें सही शुरुआत दोस्तों मिल जाए तो कैसा रहेगा सो so, आप आ, जितने लोग भी सुनने के साथ साथ समझ रहे हैं सीख रहे हैं चीजों को नोट कर रहे हैं वो चैटबॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि क्या आप एक सही शुरुआत करना चाहते हैं आप वाई लिखकर मुझे बता सकते हैं वाई या ये यस ये लिख के मुझे बता सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी मैं आपके जो चैट बॉक्स के अंदर मैसेज देख रहा हूं उसको मैं पढ़ के बहुत ही यू नो आप देख रहा हूँ कि काफी सारे लोगों ने यस लिखा है यहाँ पे और कई सारे लोगों ने यस नहीं भी लिखा है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी है ना बाकी लोग तो लिख ही रहे हैं सो so, ये थोड़ा सा हैबिट हमें चेंज करनी होगी राइट क्योंकि एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा एक बार क्या होता है कि एक राजा अनाउंस करता है कि भाई हमें तालाब 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 बनाना है और तालाब जो मैंने खुदवाया है उसको पवित्र करने के लिए उसके जल को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा हर घर को हर घर से एक व्यक्ति को एक लोटा दूध उसमें डालना है ताकि वो यू नो उसमें न्यूट्रिय हो जाए या पवित्र हो जाए हमारा तालाब तो गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है तो एक व्यक्ति सोचता है कि इतने सारे लोग दूध डालेंगे मैं एक लोटा अगर पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा तो वो एक लोटा जाके उसमें पानी डाल देता है बट हैरानी की बात यह होती दोस्तों की सभी लोग लगभग ऐसा ही सोच रहे होते हैं कि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा पूरा गांव तो दूध डाल रहा है एक लोटा तो सभी लोग क्या करते हैं एक लोटा पानी डाल देते हैं और लास्ट में देखता है कि शायद तालाब में किसी ने भी दूध नहीं डाला हुआ है सो so, इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है ना सो so, आपको आप क्या कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे आप जूम अटेंड कर रहे हो चाहे आप फील्ड में हो यू you नो know, मैं क्या मैं क्या कर रहा हूँ एस एच पी की, की शुरुआत आपसे है So, आपको एक ऑनरशिप लेके यहाँ पे काम करना है चाहे वो जूम पे चैट करने की बात हो या बिजनेस में काम करने की बात हो राइट सो यस ओके एडमिट कर देता हूं मैं आपको बाकी लोगों को सो वेल विगन इज हाफ डन आप सभी लोग सही शुरुआत करने के लिए तैयार है तो वो सही शुरुआत कैसे करनी उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो so, सही शुरुआत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों जो पहला कदम है एस के अंदर जो पहला हमारा लेवल है जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो आप सब जानते हैं वो क्या है एस एस so, हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी डायमंड हैं यहाँ पर बट वो ये सीख सकते हैं कि अपने वाले लोग अपने साथ आने वाले नए लोगों को हम डायमंड कैसे बनाएं और यदि अभी तक हम डायमंड नहीं है जो हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर डायमंड बनना दोस्तों क्योंकि ये सफलता की इस पहली, पहली सी के अंदर पहला जो रैंक है दैट इज डायमंड सो आई होप जितने भी लोग यहां पे हैं हैं जो अभी नए इस बिजनेस के अंदर और अभी सीख रहे हैं और डायमंड बनना चाहते हैं सो so, पहला जो गोल है डायमंड बनने का यानी कि आपने एक बेसिक थ्रेस लेवल अचीव कर लिया है फर्स्ट रिकोगशन आपने पा लिया है सो आई होप हम सभी लोग इस चीज को सुनने के लिए समझने के लिए कि हम कैसे इस अपने पहले लेवल को अचीव करें जो

तो डेफिनेटली इस बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे और अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं बिकॉज बेसिक जो फंडामेंटल है जो नींव है अगर एक इमारत कितनी मजबूत है कितनी ऊंचाई तक वो खड़ी हो सकती है कितने ऊंचे उसमें फ्लोर बनाए जा सकते हैं दोस्तों वो कैसे डिसाइड होगा उसकी नींव से उसके पे उसके बेसिक पे कितना काम किया गया है उसकी नींव को कितना स्ट्रांग बनाया गया है उसके फाउंडेशन को कितना स्ट्रांग बनाया गया है उस पर डिपेंड करेगा कि वो बिल्डिंग कितने स्ट्रांग होगी सो so, एस एस पी एल के अंदर आपकी जो इमारत है वो डिपेंड करेगा कि आपके बेसिक कितने स्ट्रांग स्ट्रांग है सो आई होप हम सभी लोग अपने बेसिक्स को करने के लिए करेक्ट करने के लिए तैयार है राइट सो so, बेसिक्स को करेक्ट करने के लिए बेसिक्स को सही करने के लिए हमें कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि सबसे पहले हम बेसिक्स को कैसे सीखेंगे बेसिक्स यानी कि जो फंडामेंटल है एसएसपीएल को करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को करने के बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 130 साल का इतिहास है दोस्तों तो पिछले 130 सालों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया और उन चीजों से ये भी सीखा कि कौन सी चीजें हैं जो काम करती हैं कौन सी चीजें जो काम नहीं करती हैं सो so, हम फॉर्चुनेट हैं कि आज इतने सारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं जो हिस्ट्री है उससे उसका जो निचोड़ है जो एक यू नो कंक्लूजन है वो आज हमारे पास एस एस पी एल एजुकेशन के माध्यम से हमें मिल रहा है तो एजुकेट उसको उसको हाँ करते रहेंगे अपने को एजुकेट करने के मोड में रखेंगे राइट एजुकेट करने के मोड का रखने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानना जब कोई एस में ज्वाइन करता है और मुझे मिलता है कहीं पर भी किसी सेमिनार में या ऑफिस you know, के अंदर तो so, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ अभी आप इस बिजनेस के अंदर नए आए हैं सो so, इस व्यापार की आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानने की कोशिश करें इंफॉर्मेशन लें ज्यादा से ज्यादा कहाँ से मिल सकती है एस एच पी एल की जो ट्रेनिंग्स हैं चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी अपलाइन के माध्यम हम से हमारे वीडियोज के माध्यम हम से हमारे सोशल मीडिया जो अलग अलग चैनल हैं उसके माध्यम से सो so, हम जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने ही बेहतर तरीके से हम लोगों को एस एस पी एल व्यापार के बारे में बता पाएंगे और सीखने के लिए सीखने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है ये जानना है कि इस बिजनेस को करने के कायदे कानून क्या है नियम क्या है बिकॉज किसी भी व्यापार को करने के दोस्तों कुछ नियम कुछ कायदे कुछ कानून होते हैं और अगर उन नियम कायदे कानूनों को हम जान लेंगे डायरेक्ट सेलिंग के नियम कायदे कानून क्या है एस एस पी एल के कायदे कानून क्या है तो इस बिजनेस को करना हमारे लिए इजी हो जाएगा Uh, कठिनाई नहीं आएगी बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे तो ये पता ही नहीं था यानी कि पता ही नहीं था यानी कि हमने उन चीजों को पता ही नहीं किया कि इस बिजनेस को करने के क्या रूल्स थे शायद अगर हम उन रूल्स को समझ लेंगे एंड डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर अस सो इन सभी चीजों को करने के लिए एक काम करना होगा दोस्तों वो है बीइंग स्टूडेंट हमें एक स्टूडेंट की तरह यानी कि एक विद्यार्थी की तरह जो एक विद्यार्थी होता है हमेशा लर्निंग मोड में रहता है और उसको जो सिखाया जाता है शायद हम सभी लोग भी विद्यार्थी रहे हैं अपने बचपन काल में और मैं कहता हूँ सफल सफल व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत एक स्टूडेंट के रूप में रहता है सो क्या हम सभी लोग एस एस पी एल के अंदर सफल होने के लिए स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से अगर आप स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं तो टाइप स्टूडेंट और टाइप यस yes. ओके okay. जगन्नाथ जी लिख रहे हैं स्टूडेंट गीता जी लिख रही है स्टूडेंट काफी सारे लोग यस लिख रहे हैं अलगा जी ने यस लिखा है कुछ के नाम में पढ़ पा रहा हूँ राइट सो इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन भले ही हम यहाँ पे जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं वन ऑन वन फिजिकली यहाँ पे नहीं बैठे फिर भी इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन मैं कुछ पूछता हूँ तो आपको यहाँ पे जवाब हर बार देना ही देना है राइट right? भानु जी लिख रहे हैं uh, सो so, काफी सारे लोग यहाँ रिप्लाई आ रहे हैं दैट्स ग्रेट ओके सो स्टूडेंट बनने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं सो so, मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको एडमिट भी करता जा रहा हूँ साथ साथ ओके सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि स्टूडेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबमिशन यानी कि हमें इस बिजनेस के अंदर सबमिशन देना होगा अपलाइन के प्रति सबमिशन देना होगा यानी कि बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या फिर मुझे जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ कई लोग कॉल करते हैं कि सर मुझे ये प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो जाएगा ना तो मैं ना आग लगा दूंगा मार्केट में बस वो प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ कंपनी के अंदर जबकि कंपनी के अंदर ऑलरेडी साढ़े तीन सौ चार सौ प्रोडक्ट हैं सो so, ये होता तो ऐसा हो जाता अः बट मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लान अपलाइन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बट उन सभी चीजों से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप स्वयं यानी कि आप आपसे ये व्यापार शुरू होगा अगर आप करने के लिए तैयार हैं आप सॉल्यूशन मोड में हैं आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं हैं आपने अपना इरादा बना लिया है एक इच्छा बना लिया कि मुझे एनी हाउ चाहे कुछ भी हो मुझे इस व्यापार के अंदर झंडे गाड़ने मुझे कुछ कर दिखाना है So, आपसे अगर आइए आपने एक दृढ़ कमिटमेंट कर लिया डेफिनेटली आप सभी सभी चीजों के लिए सॉल्यूशन निकाल लेंगे डेफिनेटली कुछ यू you नो know, आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी बट उन रुकावटों को आप पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे राइट right? सो so, यहां पे हम एक चीज का और ध्यान रखना है एक सेंग है दैट इज मोटिवेशन इज वॉट गेट्स यू स्टार्टेड देखिए हम बहुत सारे लोग कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के किसी की कुछ बात सुन के मोटिवेट हो जाते हैं लेकिन वो मोटिवेशन क्षणिक रहता है अगर आपको निरंतर अपने आप को मोटिवेट रखना है लगातार रोज सुबह जब आप जागे तो ऐसे बिजनेस को करने के लिए जबरदस्त एनर्जी हमारे अंदर ले उसके लिए हमें कुछ अपनी हैबिट्स पे काम काम करना होगा आदतों पे काम करना होगा हो इंसान का जीवन कैसा कैसा रहेगा कैसा जीवन जिएगा ये डिपेंड करता है उसकी आदतों पे आपने सुना होगा कि पुराने लोग कहा करते थे अच्छी आदतें डालो तो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए भी कुछ अच्छी आदतें डालनी होती हैं उन अच्छी आदतों के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं सिस्टम के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं सो तो आदतों का निर्माण करना है अच्छी तो आदतों का निर्माण करना है राइट और तो अच्छी आदतों में सबसे पहला है कि हमें लर्निंग मोड में रहना है दोस्तों सीखने वाले मोड में रहना है सो तो आई होप हम सभी लोग अगर आज यहाँ पे 11 बजे कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आप वो लोग हैं जो सीखने के लिए यहाँ पे तैयार है राइट लर्निंग मोड में आप आ चुके हैं सो तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अगेन और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी आप लर्निंग मोड पर लाने के लिए यू नो उनसे बोल सकते हैं और जब वो आपको देख देखेंगे करते हुए तो डेफिनेटली वो भी करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे के अंदर दोस्तों एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ आपके साथ वाले लोग वही करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे वो नहीं करेंगे जो आप उनसे बोलेंगे यानी कि आप अपने लोगों से जो बोलेंगे ना शायद उसको वो ना करें बट जो आपको वो करते हुए देखेंगे उन कामों को जरूर करेंगे सो so, अगर आप एस एस पी एल के अंदर कुछ चीजें हैं जिनको आप समझ लेते हैं जो कि बेसिक्स है हमारे सो बेसिक चीजों को अगर आपके लोग आपको करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली वो लोग भी करेंगे तो क्या है वो टेन बेसिक्स तो यानी कि जो हमारे बेसिक्स हैं चेकलिस्ट है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे सो so, चेकलिस्ट नंबर वन है रजिस्टर योर सेल्फ ऑन माई एस एस पी एल डॉट कॉम फॉर फ्री यानी कि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है या बहुत लोगों को आप प्लान दिखाते हैं एस एस पी एल के बारे में बताते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है एस एस पी एल के अंदर कोई पूछता है क्या करना है सबसे पहले सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है राइट स्पॉन्सर कोर्ट के थ्रू ज्वाइन कराना होता है लोगों को और वेबसाइट क्या है हमारी वेबसाइट आपको याद होनी चाहिए अगर कोई पूछता है वेबसाइट क्या तो आपको ऐसे नहीं सिर पे आप उंगली रख के ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मैं वेबसाइट से पूछ के बताऊंगा नो no. तो उसको लगेगा शायद आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है सो यू शुड नो दैट अवर वेबसाइट इज डब्ल्यू 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 डॉट माई एस एस पी एल डॉट कॉम यू मस्ट लर्न दिस वेबसाइट और बल्कि आपके मोबाइल में लैपटॉप में ये बुक मार्क में होनी चाहिए आपके क्रोम में सेकेंड काम क्या करना है एस एस पी एल में रजिस्टर होने के बाद अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए अपनी चॉइस के पांच सौ बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऑर्डर पे करने होते हैं सो पांच सौ बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है ज्वाइनिंग फ्री है आईडी एक्टिवेट करने के लिए पांच सौ बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है चेकलिस्ट नंबर थ्री वॉट वी नीड टू डू हमें यहाँ पर अपना केवाईसी करना होता है अपना बैंक पैन आधार डिटेल यहाँ पे अपडेट करना होता है प्रोफाइल में जाकर बहुत सारे लोगों के मेरे पास पूरे दिन मैसेज आते हैं बहुत सारे लोगों के सर मेरा पे आउट नहीं आया अब आपने अकाउंट डिटेल ही अभी अब तक अपडोट अपडेट नहीं करी है तो कैसे आपका पे आउट आ जाएगा या बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा इस महीने पे आउट बना है मतलब मैंने बिजनेस किया है बट मेरा कुछ चेक नहीं बना और बाद में पता चलता है कि उनकी आई ही एक्टिवेट नहीं है वो आईडी एक्टिवेट करना ही भूल गए हैं सो so, इसलिए बेसिक्स है जिनको हमें फॉलो कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट लिस्ट नंबर फोर चेक लिस्ट नंबर फोर दैट इज रीड एस एस पी एल कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स डॉक्यूमेंट सो एस एस पी एल को करने के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कुछ रूल्स है कुछ कायदे कानून है जिनको हमें समझ लेना होता है और ये आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं क्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट इज डाउनलोड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल जो डायरेक्ट से लिंक रूल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हमारी प्रिंट आउट ऑफ यू यानी की आप एस एस आपका जो आई डी कार्ड है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकाउंट को लॉग इन करके जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक आई डी पासवर्ड मिलता है एंड इट वर्क एज अ बैग ऑफिस आपका जो आईडी पासवर्ड है आप उससे जब यहाँ पे यू नो लॉग इन करते हैं आई व्यू लॉग इन पे तो एक आपका बैग ऑफिस की तरह आपको यहाँ पे मिला हुआ है जहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हैं ऑनलाइन और अपना आई कार्ड डाउनलोड करके उसको बढ़िया से आप प्रिंट निकाल के कलरफुल उसको लेमिनेट करके यू you नो know, आप यूज कर सकते हैं सो एक आपकी आइडेंटिटी एक शो करेगा कि आप कितना प्रोफेशनल वे में इस काम को कर रहे हैं राइट एक चीज हमेशा दोस्तों याद करना, याद करना रखना ये दोस्तों हम आपको क्यों बता रहे हैं के माध्यम से हाँ पे ऑफिशियली कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना सामने वाला कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है पहले वो आपको ज्वाइन कर क्योंकि काम तो आपके साथ उसने करना है सो वो ये देख रहा होता है कि कंपनी तो बेहतर है प्रोडक्ट तो अच्छे है सब कुछ बेहतर है लेकिन वो व्यक्ति कैसा है जिसके साथ मुझे करना है क्या वो व्यक्ति प्रोफेशनल है क्या वो व्यक्ति सिस्टमेटिक तरीके से काम को कर रहा है टिक so, तरीके से आप काम को कर रहे हैं वो कैसे दिखाएगा कि से आप कितने you know, appropriate तरीके से कर रहे हैं उसी कड़ी है कि आपके पास एक आईडी कार्ड है SSP का यानी कि हमारे जो चैनल्स है यूट्यूब पे चैनल है हमारा आप टाइप करेंगे सर्व प्राइवेट लिमिटेड तो आ जाएगा आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए You know, अपलोड कर देते हैं और बहुत सारा कंटेंट वहां पे आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्लान और यू you नो know, सीखने के लिए बहुत कुछ है वहां पे सो यूज दैट वीडियोस आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं अपनी टीम को भी दिखा सकते हैं राइट बल्कि आप अपनी टीम में लोगों को ये नो you होमवर्क know, भी दे सकते हैं कि आज मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ आप लोगों को और इस वीडियो से क्या क्या सीखा आप मुझे पांच पांच पॉइंट व्हाट्सएप करो या आप नए लोगों के साथ ट्राई कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसको आप लाइक like करें इंस्टाग्राम पे सो तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और एंड जब भी आप डेली आप इंटरनेट को यूज करें मैं कहता हूँ एक बार जरूर हमारी वेबसाइट को ओपन करके देखें क्या नया आया है क्या नया अपडेट है लोगों को नया अपडेट पता नहीं रहते बट हर कुछ वेबसाइट पे हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं तो अगर आप डेली प्रैक्टिस डालेंगे कि मैं जब भी कुछ ऑनलाइन चीजें को कर रहा हूं तो एक बार एस की वेबसाइट को भी खोलना बनता है राइट नेक्स्ट इज बी इन योर टीम लीडर व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि जो आपके अपलाइन है आप उनके उनसे इंफॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे आ, ट्रेनिंग्स के लिंक्स मिलते रहे तो उसके लिए क्या है कि आप या तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू उनसे कनेक्ट रहे अपने सीनियर के साथ तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आप जूम जरूर डाउनलोड करके रखें अपने मोबाइल या लैपटॉप में जूम को कैसे कनेक्ट करना है बहुत सारे लोग ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है इन चीजों को जान लें

अभी जो कि हमारा अपडेटेड कम्पनसेशन प्लान भी आ चुका है जो लास्ट अभी ने किया भी था जूम के माध्यम से और उस हमारा प्रयास है कि कोई भी कहीं पर भी SHPIL के बारे में बता रहा हो एक ही प्रेजेंटेशन यूज करे सो दैट विल बी मोर ऑफ मोर यू नो प्रोफेशनल सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें एक नए व्यक्ति को बताना जरूरी है और हमें भी पता होना जरूरी है राइट सो so, आई थिंक हम इन दस के दस पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं अगर आप तैयार हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं टेन आप टेन लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इन पॉइंट्स को जो के अंदर थे भानु जी ने सबसे पहले टेन लिखा है राइट और अब बाकी सारे लोग काफी लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ओके देट्स ग्रेट सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा राइट इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमने बेसिक तो जान लिया बेसिक uh, जो चीजें हैं उनको जानने के बाद पॉइंट्स के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों हमें इस बिजनेस के के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक चीज समझने की अपना दिमाग नहीं लगाना है जी हाँ कंपनी को सर्च करने में दिमाग लगाना होता है कौन कंपनी अच्छी है कौन कंपनी अच्छी नहीं है एक बार आपने कंपनी सर्च कर ली एस एस को करना है तो आपको इस बिजनेस को करने के लिए दिमाग नहीं लगाना बिकॉज बहुत सारे लोग कई सालों से चीजों को हेट एंड ट्रायल मोड में करते 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 अपने दिमाग लगा चुके हैं और इस बिजनेस को करने का बना चुके हैं दोस्तों एक सिस्टम हमें क्या करना है बिना दिमाग लगाए सिस्टम को फॉलो करना है जी हाँ दोस्तों अगर हमें एस एस पी एल व्यापार में कामयाब होना है तो हमें करना है सिस्टम को फॉलो यानी कि फॉलो द सिस्टम इस बिजनेस में सफल होने की एक ही सूत्र है एक ही फॉर्मूला है दैट इज फॉलो सिस्टम फॉलो द सिस्टम सिस्टम फॉलो करेंगे कामयाब होंगे हर काम को करने का एक सिस्टम होता है दोस्तों दुनिया में बाइक चलाते हैं आप उसका भी एक सिस्टम है कार चलाने का भी एक सिस्टम है कार चलाने के सिस्टम से शायद हम बाइक नहीं चला पाएंगे राइट सो so, इसी तरीके से एस एच पिल को करने का भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम को आज हमें जानना है और इसको फॉलो भी करना है राइट सो so, आप लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो टाइप कर सकते हैं सिस्टम या एस लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर ओके, okay. okay. काफी सारे लोग यस यहाँ पे लिख रहे हैं सो so, सिस्टम uh, को फॉलो करने के लिए तैयार अगर आप हैं तो आपको एस पी एल बिजनेस के अंदर कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा बिकॉज सिस्टम ही है जो आपकी सफल जो आपकी सफलता की जर्नी उसको स्मूथ बनाता है उसको आसान बनाता है सफलता का रास्ता सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है हम सब जानते हैं बस सफलता का रास्ता छोटा किया जा सकता है वो कैसे सिस्टम को फॉलो कर हैं जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एक साल में ये लेवल में पहुंच गया कुछ लोग कहते हैं मैं छह महीने पहुंच गया कुछ लोग कहते हैं मैं तीन महीने में इस लेवल पे पहुंच गया कुछ लोग कहते हैं पांच साल में भी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाया तो ये जो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है ना ये आ रहा है कि उन्होंने कितने अटेंटिव वे में कितने रिलीजियसली सिस्टम को फॉलो किया है अगर आप रिलीजियसली सिस्टम को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप भी बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे जा तो सिस्टम क्या करता है सिस्टम हमारा सेव करता है टाइम और एनर्जी को और मनी जी हाँ जैसे मैंने अभी पहले बताया कि करीब 130 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है इंडस्ट्री और बहुत सारे लोगों ने गलती यहां पर करके उन गलतियों से सीख के क्या नहीं करना है इन चीजों को हटाकर क्या करना है सिस्टम बनाया है तो गलतियों को करना और उन गलतियों से सीखना ये बहुत अच्छी बात है बट दूसरों की गलतियों से सीखना और खुद गलती ना करना ये बहुत अच्छी बात है यानी कि सुपर इंटेलिजेंट होना है तो आप सुपर इंटेलिजेंट अगर बनना चाहते हैं जीनियस बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन कामों को ना करें जो लोग ऑलरेडी गलतियां कर चुके हैं और उनसे बचने का तरीका है सिस्टम फॉलो करना दोस्तों सो so, सिस्टम को फॉलो करने के लिए आई थिंक हम सभी लोग तैयार हैं और अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपके साथ जो इस बिजनेस के अंदर लोग आ चुके हैं आने वाले हैं आपकी जो डाउनलाइंस हैं वो भी सिस्टम को फॉलो करेंगे क्योंकि आप अपने ट्रेन के इंजन है आपने ट्रेन देखी है ना ट्रेन में इंजन होता है और ट्रेन में यू नो वोगीस होती है कंपार्टमेंट होते हैं मुझे एक बात बताइए ट्रेन के डिब्बे कहाँ जाएंगे जहां इंजन जाएगा ऐसा होगा या नहीं होगा अगर आप दिल्ली के अंदर किसी ट्रेन आ, में जा रहे हैं और ट्रेन का जो ट्रेन का जो इंजन है वो सपोज दैट दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहा है तो क्या डिब्बे मुंबई साइड जा सकते हैं नहीं डिब्बे भी इंजन के साथ साथ चलेंगे तो आप अपनी जो टीम है उसके इंजन है तो इंजन अगर सिस्टम फॉलो करेगा तो डेफिनेटली आपकी जो टीम है आपकी जो डाउनलाइंस है वो भी उस सिस्टम को फॉलो करेंगी सिस्टम क्या है सिस्टम के अंदर है? दोस्तों सेवन बेसिक स्टेप्स तो सेवन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है सेवन स्टेप्स को जानना है इनके अंदर मास्टर होना है सो so, इन सेवन स्टेप्स को हम समझते हैं दोस्तों सेवन स्टेप्स के अंदर जो पहला स्टेप है जो पहला स्टेप है वो है हैव अ पावरफुल ड्रीम जी हाँ दोस्तों सबसे पहला काम जो यहाँ करना है वो ये कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है ये पता होना चाहिए क्यों वाय क्यों एस एस पी एल करना है वाय यानी कि करना क्यों है अगर ये क्लियर हो गया कि क्यों करना है तो आप चाहे मीटिंग दिन में ग्यारह बजे हो या रात के बारह बजे हो आपके पास कोई बहाना नहीं होगा जी हाँ दोस्तों जिन लोगों के पास बहाने होते हैं और जिनके पास बहाने नहीं होते हैं उनके बीच में एक ही अंतर होता है वो क्यों का सबसे पहले क्यों पता होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है मुझे सफल क्यों होना है वो वो क्यों क्यों पता होना चाहिए वो क्यों एक पावरफुल रीजन आपके पास होना चाहिए दोस्तों काम को करने के लिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग व्हाई है ना क्यों पता है आपको तो हाउ यानी कि कैसे करना है वो बहुत आसान हो जाएगा यानी कि आज मैं बात कर रहा हूं हाउ कैसे करना है इस बिजनेस को बट ये हम कब कर पाएंगे जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाय होगा और वाय क्यों करना है वो है आपके पावरफुल ड्रीम्स दोस्तों जी हाँ पर्पस, पर्पस क्लियर होना चाहिए गोल्स क्लियर होने चाहिए और यही है कि क्यों करना है राइट फैमिली के लिए करना है अपने लिए करना है समाज के लिए करना है क्या करना है और क्यों करना है ये जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो क्योंकि आपको बता दूं इस दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसको आप जानते हो वो इन चार कैटेगरीज के अंदर आता है जो अगर वो पैसे कमा रहा है चाहे वो कम कमा रहा हो ज्यादा कमा रहा हो कितना भी कमा रहा हो इस दुनिया में वो इन चार कैटेगरीज के अंदर रहता है जो कि रॉबर्ट की के यू नो रॉबर्ट की के द्वारा बताया हुआ यहाँ पे यू नो मेथड है ई मॉडल

और आप देखेंगे कि उसके पास एनर्जी डाउन रहती है बॉस उसको प्रेशराइज किए रहता है हमेशा ई एस एस फॉर सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड का मतलब है कि ये वो लोग होते हैं जो किसी के एम्प्लॉय तो नहीं होते बट वो खुद के एम्प्लॉय होते हैं सो so वो जितना काम करते हैं उतना पैसा कमा पाते हैं जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे जितना कम करेंगे उतना कम पैसा कमाएंगे बिकॉज ये अकेले काम कर रहे हैं उनके पास कोई एस बहुत बड़ी टीम नहीं होती है थर्ड कैटेगरी इज बिजनेस बिजनेस ओनर यानी कि ये वो लोग होते हैं जो एक व्यापार जिनके पास होता है जिनके पास आपने तो कहा व्यापारी को कहा जाता है कि ऑलराउंडर होता है क्योंकि वो हमेशा हर तरीके की चीजों को उसको करना होता है सब कुछ करता है एक व्यापारी राइट तब जाके एक सफल बिजनेस खड़ा कर पाता है और फिर उसके अंदर एक सिस्टम डालता है उसके अंदर फिर लोग अपनी टीम खड़ी करता है और एक बड़ा पैसा यहाँ से बना पाता है बट इसको करने के लिए एक बड़ा इनिशियल कैपिटल अमाउंट शुरुआती जमा पूंजी की जरूरत होती है बिजनेस को करने के लिए और इट्स कनेक्ट लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो ये जुड़ी हुई होती है रिस्क के साथ भी अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे लगाया और आपने सपोज दैट लोन भी ले लिया बट उसके साथ भी रिस्क जुड़ा हुआ है कि आप इस व्यापार को करने के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि रिस्क एपेटाइट आपका कितना है देन फोर्थ कैटेगरी इज इन्वेस्टर इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास एक बड़ा पैसा होता है और ये कुछ करते नहीं है बल्कि पैसे को लगा के पैसा कमाते हैं आपने सुना होगा वॉरन का नाम इंडिया के वॉरन वार्ड भी थे जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था आपने नाम सुना होगा राकेश झुंझुनवाला तो वो लोग हैं जिन्होंने पैसे को लगा के बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है सो so दोस्तों अगर हम हम भी एक बिजनेस बिजनेस के अंदर एक व्यापारी बनना चाहते हैं ऑन्टरप्रन बनना चाहते हैं बट उसके लिए हमारे पास बड़ा कैपिटल अमाउंट नहीं है फिर भी हम एक सफल बिजनेस बनना बिजनेस के अंदर एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं बनना चाहते हैं सफल बिजनेसमैन बनना है तो फिर डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे बेस्ट माध्यम है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एस को करते हुए बिना बड़ी लागत के वो सारी चीजें जो एक व्यापारी के पास होती है एक सफल बिजनेसमैन के पास होता है वो एस आपको देता है चाहे वो एक यू नो बना बना सिस्टम हो जो एस आपको दे रहा है बिजनेस के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपके इंडिया पूरे इंडिया के अंदर आप देखेंगे SSKill का ऑफिस है, है हमारे वेयर हाउसेस टीम है हमारे पास यू नो एजुकेट करने के लिए भी हमारे पास टीम है सप्लाई लॉजिस्टिक को मेंटेन करने के लिए भी टीम है सो पूरा बना बनाया बिजनेस एस एस ने आपको दिया है बस आपको करना क्या है इसको चार्ज लेना है ओनरशिप लेनी है और इस बिजनेस को करना है राइट right? सो so, और अगर आप ये ओनरशिप ले लेंगे कि हाँ ये बना बना इतना बड़ा बिजनेस है इसकी ओनरशिप मैं ले लेता हूं और आज से एस एच पी एल एस एच पी एल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसके आगे मेरा नाम भी लग गया यहां है सपोज दैट यहाँ पे कनेक्ट है यू नो ममता शर्मा जी कनेक्ट और ममता जी मान लेती हैं कि एस एच पी एल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है अब आज से ममता एस एच पी एल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई यानी कि अपना नाम भी उस कंपनी के नाम में जोड़ लेती तो इसका मतलब ये आपने ओनरशिप ले ली इस बिजनेस की और अगर ये आप ये सोच लेंगे इस तरीके की थॉट प्रोसेस आपका हो जाएगा तो फिर ये बिजनेस आपको एक वेल्थ क्रिएट करके देगा जी हाँ क्योंकि क्योंकि बिजनेस सिर्फ कुछ चंद एक्स्ट्रा पैसे कमाने वाली चीज नहीं है ये एक वेल्थ क्रिएट करने वाला सिस्टम है दोस्तों राइट और इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि हजारों लोग होते हैं बल्कि मैं कहता हूँ लाखों लोगों ने ना सिर्फ वेल्थ क्रिएट करी बल्कि एक लेगेसी क्रिएट करी और so, गोल, गोल हमें समझना होगा कि हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट और गोल शुड बी स्मार्ट स्मार्ट यानी कि स्मार्ट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो स्टैंड फॉर स्पेसिफिक बड़ा ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है क्या अचीव करना है मेजरेबल होना चाहिए यानी कि आप उसको माप सकें राइट जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है बहुत पैसा कमाना इज नॉट अ मेजरेबल थिंग कितना पैसा कमाना है है ना एक करोड़ दस करोड़ एक लाख मेजर कर सके आप उसको अचीवेबल होना चाहिए आप गोल ऐसा बनाए जिसको आप अचीव कर सके अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे आज ही एस एस के अंदर ब्रांड एम्बेसिडर बनना है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन होते ही एस एस के एम्बेसिडर है ग्लोबल एम्बेसिडर है बट रैंक वाइज जो एम्बेसिडर है इसके लिए जो मैचिंग बीबी चाहिए वो शायद पहले दिन पॉसिबल उतना पॉसिबल नहीं है इसके लिए यू यू हैव टू टेक सम टाइम एक प्रोसेस है उसके थ्रू आपको जाना होगा शायद आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे रियलिस्टिक गोल होना चाहिए कि वो रियल हो राइट right? अब कोई व्यक्ति कहता है जी मैं एक काम करता हूँ चांद पे जाके वहां पे टीम बना लेता हूँ और वहां पे लोगों को रख के वहां पे प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ तो शायद वो रियलिस्टिक गोल नहीं है उसका टाइम बाउंड आपका जो गोल है ना वो समय से बना होना चाहिए राइट समय से बना होना चाहिए यानी कि अगर मुझे डायमंड बनना है तो कब तक बनना है राइट क्राउन एम्बेसडर बनना है तो कब तक बनना है मुझे महीने की दो लाख रुपए इनकम तक पहुंचना है कब तक कब तक का जवाब आपके पास होना चाहिए जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है तब तक आपका गोल गोल नहीं राइट सो हैव अ गोल मैं हमेशा एक बात कहता हूं You you should have have a goal. If you don't have any goal, If don't any then your life is goal शुड हैव अ गोल इफ यू डों गोल स्टेप नंबर टू मेक अंड क्वालिफाइड जी हाँ दोस्तों हमें लिस्ट बनानी होगी यहाँ पे लोगों की क्योंकि हमारे पास सबसे पहले रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए मोबाइल वाली कॉन्टेक्ट लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके पास डायरी में एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए जिन लोगों आप जानते हो जो तो आप बहुत क्लोज है उनकी लिस्ट जिनको आप थोड़ा यू नो जानते हैं बट उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं उनकी भी लिस्ट जिनको आप कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको आप जानते हैं बट वो आपको नहीं जानते हैं उनकी भी लिस्ट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप नहीं जानते बट वो आपको जानते हैं उनकी भी लिस्ट सो इस तरीके के बहुत सारे लोग आप आपके दोस्त दोस्तों के दोस्त आपके रिश्तेदार रिश्तेदारों के रिश्तेदार आपके कलीग्स आपके साथ लास्ट जो आपने एजुकेशन ली कॉलेज स्कूल में वहां के जानने वाले लोग जिन जहां जहां आपने काम किया है वहां के लोग हो सकते हैं और ऐसे लोगों की आप 200-500 लोगों की लिस्ट बना के फिर उनको करिए कि करने का मतलब है कि आप मुझे किन से बात राइट ये टेक्निक होती है लिस्ट बनाने की एफ फॉर फैमिली और फ्रेंड्स हो सकते हैं ओ ऑक्यूपेशन की आप जहाँ काम करते हैं वहां के लोग हो सकते हैं रिक्रिएशन बहुत सारे लोग होते हैं ना हम एंटरटेन करने के लिए जाते हैं अपने आपके आप किसी जागरण में गए जगराते में गए ऐसी जगह भी आपके कॉन्टेक्ट बन जाते हैं सो मनी रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं जो यू you नो know, आप कहेंगे पैसा कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेते हैं तो ऐसे लोगों की लिस्ट कम से कम से लोगों की लिस्ट बनानी है फिर हमें उस पर काम करना होता है थर्ड इज मेक एन इन्विटेशन जी हाँ दोस्त हमें लोगों को इन्वाइट करना आ, लिस्ट के, लिस्ट में से क्वालिफाई करने के बाद फिर क्या करना होता है हमें जो थर्ड स्टेप है दैट इज इन्विटेशन रोज हमें लोगों को इनवाइट करना होगा रोज तभी रोज आपकी मीटिंग में लोग आएंगे राइट चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो ऑफलाइन मीटिंग है तो उसके लिए भी हमें यू नो लोगों को पहले से पूछ बताना होता है कि जी मैं कल कल आपसे मिलना है उसका टाइम लेना होता है आप कब मिल सकते हैं राइट हमेशा लोगों को दो ऑप्शन दो मैं तो कहता हूँ जैसे आपको किसी से मिलना है ना तो उसको पूछो आप कब मिल सकते हो कल या परसों तो आपने ना उसको चॉइस दे दी वो भी थोड़ा सा खुश हो गया कि यार मतलब मेरी मेरे को ये वैल्यू दे रहा है कि कब मिलें कल या परसों अब दोनों दिन तो बिजी नहीं होगा ना जैसे सपोज दैट आपने बोला कि कल मिल सकते उसने कहा नहीं यार मैं कल तो बाहर जा रहा हूँ तो आपने कहा चलो फिर बात बताना कब आपके पास दोबारा टाइम सो तो इसलिए हमेशा को दो चॉइस दो अगर आपको किसी को लाइक मीटिंग पे कनेक्ट करना है उसको कनेक्ट होना उसके साथ मीटिंग करनी है तो उससे पूछो आप कितने बजे मिल सकते हैं सुबह दस बजे या शाम को पांच बजे तो वो बता देगा राइट right? और अगर आप उसको हमारे जूम वेबिनार में लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आठ बजे होता है आप उसके बारे में बता सकते हैं नेक्स्ट इज सो द प्लान यानी कि प्लान दिखाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों कि हमें इस बिजनेस के अंदर प्लान कैसे सो करना है इसको सीखना है तो उसको सीखने का एक प्रोसेस है सबसे पहले हम लोगों को प्लान कैसे देते हैं ये देखें वो कैसे दे रहे हैं इसको हम कैसे देख सकते हैं जब हमारे अपलाइन सीनियर हमारे यू नो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम उनको देख सकते हैं आप उनके साथ बैठ के डायरी में नोट्स ही बना सकते हैं आप हमारे जो आई होते हैं जूम पर उनको रिपीटेटिव टाइम्स सुन सकते हैं बार 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 सुन उनको नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप अपने अपलाइन के साथ जब कहीं प्लान देने जा रहे हैं तो आप

पहली तीन मीटिंग आप देखें कैसे आप मेरा सीनियर कर रहा है उसके बाद अगली तीन से चार मीटिंग आप करें और आपका अपलाइन देखेगा और उसके बाद लास्ट की मीटिंग कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं राइट हा सो ये एस एल फॉर्मूला है ये जो मैं आपको बता रहा था ये वही राइट यानी कि किस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते टू यू नो इसको बोलते हैं यू नो थ्री वे कॉल करना है यानी कि मैं और मेरा अपलाइन हम दोनों मिलके तीसरे से बात कर रहे हैं राइट अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे रमन बता रहे बता रहा है और विजय जो सुनने वाला है और सूरज लिस्निंग मोड में है यानी कि अभी वो सुन रहा है कि किस तरीके से रमन जी बात कर रहे हैं विजय से और फिर क्या हुआ फिर सूरज जी ने बात करना स्टार्ट किया अगली कुछ मीटिंग्स के अंदर और स्नेहा से बात कर रहे हैं वो अपने बिजनेस के बारे में और विजय जो उनके सीनियर थे विजय सुन रहे हैं राइट right? क्योंकि बिजनेस ज्वाइन कर लिया है तो विजय भी विजय यानी कि आपके डाउनलाइन हो गया आप इनको सिखा रहे हैं यानी कि जो आपने पहले अपलाइन से के साथ किया सीखा अब वही आपने डाउनलाइन को डुप्लीकेट कर नेक्स्ट स्टेप नंबर फाइव क्लोज द सेल और फॉलो अप जी हाँ दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हमें क्या करना है लोगों को ज्वाइन कराने के लिए मीटिंग के बाद अपने सेल को क्लोज करने के लिए उसको ज्वाइन कराने के लिए हमें यहाँ पे फॉलो अप करना है फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे अपने इस के अंदर अप जाने यानी तो कि अगर आपको अप 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 जाना है तो आपको करना होगा फॉलो अप so... okay. so दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो अप कर का मतलब होता है उस व्यक्ति से बात करना जिसने आपके बिजनेस को सुना समझा अब आप देखेंगे आप पे सबसे नीचे वाला पॉइंट आप अगर देखें एट्टी परसेंट ऑफ सेल्स आर मेड ऑफ द दिफ्थ टू ट्वेल्थ जो आपका उसके साथ डिस्कशन होता है यानी कि पांचवी से लगभग बारहवीं ट्वेल्थ जो कांटेक्ट होता है वहां पर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है यानी कि कम से कम उससे पांच से छह बार तो आपको बात करनी है हम क्या करते हैं एक दो बार प्लान देने के बाद एक या दो बार सामने वाले से पूछते हैं बात करते हैं मिलते हैं अगर वो मना कर देता है तो हम कहते हैं अब ये तो ज्वाइन नहीं करेगा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं करना है कम से कम पांच छह सात आठ नौ दस बार भी आप उस व्यक्ति से मिलें और हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत करें ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनके जिसमें कुछ डिटेल है वो जवाब दें क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो सिर्फ यस नो में खत्म हो जाता जैसे मैंने देखा है अमूमन लोग क्या करते हैं कि लोग उसको प्लान दिखाने के बाद उनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको तो ये गलत तरीका है बात करने का कैसा लगा आप इसके लिए उसको आपने दो च्वाइस दे दी या तो बोलेगा अच्छा लगा या बोलेगा नहीं लगा तो यस तो में वो आपको ज्यादा चीजें नहीं बता पाएंगे बजाय इसके आप उससे पूछें कि आपको आज की मीटिंग में क्या क्या अच्छा लगा तो फिर वो बताएगा हाँ ये भी अच्छा लगा हाँ ये भी अच्छा लगेगा आप तो उसका डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ एंड जिस तरीके जिस तरीके से डिस्कशन स्टार्ट होगा ना तो वो इंटरेस्ट लेगा आपकी बात पर आप कुछ और एड ऑन कर सकते हैं उन चीजों के अंदर रिफरेंस के लिए उसको कुछ वीडियोस भी दिखा सकते हैं उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको डाउट है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो हमारी जूम पर वीडियो है वो उसको आप दे सकते हैं राइट व्हाट्सएप पे उस वीडियो को देख ले जो भी उसका कंसर्न है आप उससे पूछ सकते हैं सर ये मीटिंग थी इसमें आप और क्या क्या आप जानना चाहते हैं क्या क्या आपको अच्छा लगा राइट प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं आप बता सकते हैं मेरे मुझे वैसे तो एस एस पी एल के सारे प्रोडक्ट बेहतरीन है बट ये कुछ प्रोडक्ट हैं बीस पच्चीस प्रोडक्ट का आप नाम ले सकते हैं जो मुझे बहुत पसंद है जो कि शायद कॉमन प्रोडक्ट हो जो आप उसको बताएं जिनको शायद वो भी लेना पसंद करे करें आप बोल सकते हो मैं एस एस पी एल का टूथपेस्ट अमेजिंग है ये इतने सारे टूथपेस्ट हैं बट ये वाला मुझे ज्यादा पसंद है और मेरी बेटी को ये वाला ज्यादा पसंद है मेरी वाइफ को ये वाला ज्यादा पसंद है तो आप कर क्या रहे हो इनडायरेक्टली उसको उन चीजों के बारे में बता रहे हो जो आप डायरेक्टली बताना चाहते हो राइट सो ये कुछ तरीके होते हैं फॉलो अप करने के आने वाली जो ट्रेनिंग्स हैं जो हमारे है, आईवीओस हो गए इसमें हम और ज्यादा डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे दिस इज जस्ट थर्ड मीटिंग है आज हमारी आई योग से पहले दो मीटिंग और हुई है स्टेप नंबर सिक्स है यूज एस एस पी एल प्रोडक्ट योर सेल्फ एंड यूज दोस्तों product, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो है कि एस एस पी एल के उत्पादों को स्वयं यूज कर जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे लोगों को यूज करने के लिए मत बोलिए राइट right? क्योंकि जब आप स्वयं इन उत्पादों को यूज करेंगे तो आपका इन उत्पादों के पर विश्वास बढ़ेगा आप स्वयं इनके चलते फिरते गवाह बन जाएंगे आपको तो कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद प्रूफ है और आपका जो आप रियल आप हाँ, हो रहे हैं तो, राइट अगर आपके घर प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं और आपके वॉशरूम में आपके किचन में आपके ड्राइंग रूम ऐसे के प्रोडक्ट हर तरफ दिख रहे हैं अगर कोई रिलेटिव आपके घर आता है राइट तो वो अपने आप पूछेगा ये क्या रखा है ये किस कंपनी के प्रोडक्ट है और आप वहां से उसको इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं सो so, सबसे पहले खुद यूज कर रहा राइट सो कितने लोग एसएचपील के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आई लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर आई या मी लिख सकते हैं कि मैं यूज करता हूं एसएचपील के सारे प्रोडक्ट्स ओके बिकॉज ये ये बिजनेस दोस्तों उत्पादों को यूज करने का और करवाने का बिजनेस है जी हमें इन प्रोडक्टों को यूज करना है और इनको लोगों को बताना है और वो भी यूज करें और आप देखेंगे अगर लगातार यूज करने वाले अः लोग हमारे साथ इस बिजनेस में अगर रहते हैं अगर हम ऐसे लोगों की एक टीम खड़ी कर लेते हैं जो हर महीने निरंतर के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं लव करते हैं इन प्रोडक्टों को तो आप देखेंगे कि, कि कंसिस्टेंसी करने वाले बहुत सारे लोग आपकी टीम में हो जाएंगे कंसिस्टेंसी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं बिकॉज़ आज कंसिस्टेंसी क्लास दे भी है और uh, कंसिस्टेंसी करने वाले लोग आपकी टीम में जब ज्यादा होंगे तो आपके पास एक यू uh, नो you know, अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम हर महीने आपको मिलेगा और डेफिनेटली आप नए लोगों पे भी काम करेंगे तो नया बढ़ते क्रम में आपका बिजनेस हमेशा चलेगा ग्रोथ मोड में सो so, इसके साथ साथ आपको टूल्स को यूज करना आना चाहिए जूम कॉल कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए अब आप ये मत कहिए मैं भी नया हूं तो मुझे जूम मीटिंग करना नहीं आती है सीखना पड़ेगा इसको सीखिए कैसे जूम करना है स्क्रीन शेयर कैसे होती है ये पता होना चाहिए वीडियो प्ले कैसे करते हैं पता होना चाहिए बहुत सारे लोग वीडियो प्ले कर देते हैं जूम में बट आवाज नहीं आ रही होती तो ये सारी चीजें हमें सीखनी होती है पीपीटी शो कैसे करते हैं पीपीटी में प्लान कैसे दिखाते हैं राइट ऐप को कैसे यूज करते हैं डैशबोर्ड को कैसे यूज करते हैं लोगों को प्लान भेजना डाउनलोड करना वेबसाइट उसको भेजना ये सारी हमें जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जिनको मैं कहता हूँ करने के लिए वो तो हमें पता होनी चाहिए राइट कैसे जूम पे मीटिंग क्रिएट कर सकते यू नो you know, जूम कोविड के बाद से एक बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है मीटिंग करने का आज आप बैठे हैं आगरा में आपका दोस्त बैठा है नासिक में उसको एस एस के बारे में बताना है आपने फटाख से जूम का लिंक बनाया उसके साथ शेयर कर दिया वो कनेक्ट हो गया एक घंटे के लिए और आपने उसके साथ प्रेजेंटेशन शो कर दी सब कुछ बता दिया राइट और उसका ऑर्डर भी ऑनलाइन आपने प्लेस कर दिया तो ये सब कब कर पाएंगे जब हम इस बिजनेस को करने के लिए जो बेसिक्स है उनको हम सीख लेंगे और बेसिक्स को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओनरशिप लेना जी हाँ दोस्तों जो हमारा सेवन स्टेप भी सेवन स्टेप है टेक ओनरशिप ऑफ योर एस जी हाँ दोस्तों आपको जिम्मेदारी लेनी होगी ये बिजनेस मेरा है ओनरशिप लेनी होगी दोस्तों जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है सिर्फ ली जाती है लोग कहाँ पे यू नो प्रॉब्लम में आते हैं जब वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरा अपलाइन करके देगा ये तो मेरे अपलाइन का बिजनेस है अपलाइन नो दोस्तों सब ये बिजनेस आपका बिजनेस है मैं फिर से बताना चाहूंगा जिम्मेदारी कैसी चीज है जो दी नहीं जाती ली जाती है जिम्मेदारी लेने वाले लोग सर्वत सर्वदा सर्वस्था एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा एक बार क्या होता है अपने सभी चूंकि न... नवरात्र का टाइम चल रहा है इसलिए मुझे स्टोरी याद आ गई एक बार क्या होता है दोस्तों वैष्णो देवी की यात्रा जो की काफी लंबी यात्रा है आई थिंक दस बारह किलोमीटर की यात्रा है वहां पे एक यात्रा में एक लड़की जा रही होती है और वो अपने भाई को अपनी पीठ पर अपने बैक पे यू नो लेकर जा रही होती है यात्रा कर रही होती है तो एक साधु उसके साथ चल रहे होते हैं साइड में क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं तो एक साधु उस लड़की को कहता है बेटी बहुत लंबी यात्रा है चढ़ाई कुछ ज्यादा है और तूने बहुत ज्यादा बोझ अपनी पीठ पर रख रखा है राइट तू थक जाएगी तो उस लड़की का जो जवाब होता है दैट विल बी अ बिगेस्ट लर्निंग फॉर अस दोस्तों वो लड़की जो जवाब देती है कि बाबा जी बोझ तो आपने टांग रखा है अपने थैले में राइट ये जो मेरी पीठ पर है ना ये बोझ नहीं है मेरी जिम्मेदारी मेरा भाई है सो so, कहने का मतलब है दोस्तों कि जिम्मेदारी अगर आप ले लेंगे कि ये मेरा बिजनेस है ये मेरी कंपनी है ये मेरे प्रोडक्ट्स है ये मेरा बिजनेस है तो जिम्मेदारी अगर ले लेंगे तो आप सॉल्यूशन का पार्ट होंगे ना कि प्रॉब्लम का आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपके पास सोल्यूशन होंगे और आप अपनी टीम को सोल्यूशन दे पाए सो बी अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन डोंट बी ऑफ प्रॉब्लम राइट और जैसा आप करेंगे वैसा ही टीम करेगी, ये मैं आपको बात रिपीट हमेशा याद दिलाता रहूंगा बिकॉज रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस जी हाँ दोस्तों हर चीज को बार बार रिपीट रिपीट करने से ही हम उसको सीखते हैं, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रिपीटिशन राइट सो ये थे दोस्तों सेवन रूल्स Seven steps. So, इस अंदर हमें करना क्या है सबसे पहले स्टेप्स और फाइव रूल्स so, अभी हमने सेवन स्टेप्स के ऊपर बात करा सो so, क्या आप इन सात रूल्स को फॉलो करने के लिए उनको मानने के लिए तैयार है अगर तैयार है तो आप यस yes लिखें ताकि फिर मैं आगे चलू और फाइव रूल्स के ऊपर ही बात कर पाऊ ओके okay, तीन चार लोगों का यहां पे रिप्लाई आया है मुझे बाकी कुछ लोग भी यस लिख रहे हैं ओके ओके ग्रेट सो ये सेवन स्टेप्स थे अब हम बात करेंगे फाइव रूल्स की सो so, इस व्यापार के अंदर दोस्तों है क्या सात स्टेप और पांच रूल ये पांच रूल हमें समझना है इसके बाद पहला रूल है लॉ ऑफ एवरेज लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों दुनिया में हर जगह हर समय काम करता है दोस्तों और अगर हम लॉ ऑफ एवरेज को समझ लेंगे तो हम परेशान नहीं हो पाएंगे इस बिजनेस के अंदर जी हाँ बिकॉज हमें पता रहेगा कि क्या हो रहा है लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर दस लोगों से बात करेंगे तो आपके व्यापार में दो लोग ज्वाइन करेंगे या मैक्सिमम दो से तीन लोग ज्वाइन करेंगे सो ये हमें लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में खासकर कि अगर हम दस लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं तो दो से तीन लोग ही आएंगे अगर दस लोग हमारा प्लान देख रहे हैं तो दो से तीन लोग ही ज्वाइन करेंगे सो ये लॉ ऑफ एवरेज अगर आप समझ के रखेंगे तो आपको ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि मुझे कितने ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है अगर मुझे इस महीने सौ लोगों को ज्वाइन कराना है तो मुझे कितने लोगों को प्लान देना होगा खुद कितने लोगों को देना होगा टीम के साथ मिलके मैं कितने लोगों को प्लान दे सकता हूँ जिससे मेरी टीम का साइज कंप्लीट जो मेरा नेटवर्क है वो कितने लोग का होता है लॉ ऑफ एवरेज देखिए पता तो बहुत बहुत लोगों का होता है पता तो सभी को होता है बट इसको यूज आप कितने इफेक्टिव वे में कर रहे हैं ना उससे फायदा होने वाला है सिर्फ पता होने से थोड़ी ना होता है पता तो सबको सब कुछ है इस दुनिया में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं है ना जैसे हम सब जानते हैं कि नॉलेज इज पावर हम सब जानते हैं क्या नॉलेज पावर है अगर नॉलेज पावर है तो आप यस yes लिखिए अगर आपको तो लगता है नॉलेज पावर नहीं है तो नो no लिखिए ओके हम में से बहुत सारे लोगों ने तुरंत यस लिख दिया पर दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है आई डोंट थिंक सो कि नॉलेज इज पावर राइट मुझे ऐसा लगता है नॉलेज इज जस्ट ए इंफॉर्मेशन जो नॉलेज होती है ना वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है अप्लाइड नॉलेज इज पावर अप्लाइड नॉलेज इज पावर कहने का मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं नॉलेज पावर नहीं है नॉलेज एक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो ना फील्ड में वो पावर होती है ओके okay? तो कितने लोग मेरी बात से सहमत अप्लाइड नॉलेज यानी कि आपको कोई बात पता है उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है तो लॉ ऑफ एवरेज को अप्लाई करेंगे तभी फायदा मिलेगा सो so, अगले रूल की तरफ चलते है सो इट्स मोर मोर कम आउट विथ मोर यानी कि जितना ज्यादा ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है बिकॉज कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे जो नहीं करेंगे तो क्या अगला सही यानी कि समविल नेक्स्ट इसको हम आ, अपनी डायरेक्ट से लिंक के लैंग्वेज में कहते हैं आता है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट सो आता है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट तो हमें बढ़ते जाना है है लोगों को करना दिखाना है और हमारे टीम के अंदर भी नेक्स्ट 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 लोग आते जाएंगे जो आता है तो बेस्ट है आपकी टीम का पार्ट बन जाएगा आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा आता है तो बेस्ट है नहीं तो नेक्स्ट है तो आप भी लिख सकते हैं नेक्स्ट चैट बॉक्स के अंदर अगर आप ही नेक्स्ट 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 करने के लिए तैयार हैं नेक्स्ट 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 नॉलेज पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ ने पर डाइप करना होगा नेक्स्ट 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 हम भी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल पे नेक्स्ट रूल है द लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन देखिए रातों रात कोई करोड़पति नहीं बना है एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है बट एक दिन जरूर हो जाएगा राइट एक दिन में कोई सफल नहीं बना है बट करते 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 एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे तो जो लोग ये बात दिमाग में रखते हैं कि एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे दोस्तों वो वो लोग हैं जो ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन को जानते हैं और जो बोलते हैं एक दिन में ही सफल होना है आज ये कंपनी करेंगे सफल नहीं हुआ दो दिन बाद दूसरी तीन दिन बाद कुछ और फिर ये फिर पैसा डबल करने वाला फिर शायद उनका कुछ होने वाला नहीं है और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलते भी होंगे राइट ये वो लोग हैं जिनको रूल नंबर टू नहीं पता है हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि इट विल टेक टाइम टाइम लगता है हर चीज को होने में हर चीज का एक पीरियड होता है जो हमें यू नो वो टाइम हमें देना होता है उस टाइम के अंदर और सिर्फ टाइम नहीं देना उस टाइम के अंदर हमें हार्डवर्क भी देना है पेशेंस भी देना है डिसिप्लिन भी देना है फोकस होकर करना है तो सारी चीजें हम करेंगे तब जाके एक टाइम पीरियड के बाद वो डेफिनेट टाइम के बाद हमें सफलता मिलेगी राइट इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा स्टोरी ऑफ चाइनीज बैम्बू दोस्तों तो एक किसान होता है और वो क्या करता है कि बांस की खेती करता है बैम्बू और वो क्या कर रहा होता है नॉर्मल जो बांस होते हैं बैम्बू उनकी नो पौधे लगाता है और साथ में एक चाइनीज बैम्बू भी लगाता है. अब चाइनीज बैम्बू नॉर्मल बैम्बू जो बांस के पौधे होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो, वो सभी को पानी देता है तो सभी थोड़े 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 से उगना स्टार्ट हो जाते हैं बट ये जो चाइनीज बैम्बू होता है इसका पौधे के अंदर कोई फर्क नहीं दिखता है उसको तो वो थोड़ा सा यू नो हत, हतोत्साहित हो जाता है थोड़ा सा यू नो डीमोटिवेट होता है बट जब वो डिमोटिवेट होता है तो एक काम और करता है वो पानी डालता है अगले दिन वो कहता है मैं क्या करूंगा जब भी डिमोटिवेट होगा तो वो देखता है कि मुझे क्या करना है मुझे पानी देना उस पौधे को ऐसे करते 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 दोस्तों पांच साल हो जाते हैं पांच साल तक भी उस पौधे में ऊपरी सतह पर कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है बट वो देखता है कि पांच साल बाद जैसे पांच साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद अचानक से कुछ ही दिनों के अंदर वो चाइनीज बहुत तेजी से बड़ा होता जाता है और नब्बे फिट तक ऊपर जाता है नाइन्टी फिट नब्बे फीट तक वो ऊपर जाता है स्टोरी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी तो वो फिर समझता है कि जो पांच साल में इसको पानी दे रहा था ना ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन था यानी कि वो पांच साल तक ऊपर मुझे नहीं दिख रहा था ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है बट नीचे मिट्टी के नीचे ग्राउंड के अंडरग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ इसके अंदर हो रहा था इसकी जड़ों में और पांच साल इसने लिए और फिर एकदम से जो सफलता का जो फल है बहुत मीठा होता है यू नो सब्र का फल भी मीठा होता है वो सब्र का फल उसको मिल गया कहने का मतलब है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम आए हैं तो हमें इस सिस्टम को करते हुए सफलता का जो यू you नो know, एक जो टाइम पीरियड है उसको उसके अंदर हमें उस प्रोसेस के अंदर जाना होगा उसमें कुछ टाइम भी लगेगा उस टाइम के अंदर पेशेंस में अगर हम रहेंगे मोटिवेट होके फोक होके काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बिजनेस की इमारत भी चाइनीज बैम्बू की तरह बहुत बड़ी बनेगी और इसको करने के लिए अगले रूल को हमें समझना होगा वो है कि टू लर्न टू अर्न यू मस्ट लर्न जी हाँ अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है एक कहा जाता है इफ यू आर विलिंग टू लर्न नो बडी कैन स्टॉप यू एंड इफ यू डोंट विलिंग टू लर्न नो बडी विल हेल्प यू अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है बट अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है राइट सो so, सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है राइट सीखने के लिए क्या हम सभी लोग तैयार हैं, कि हम सभी लोग कोचेबल हैं कोचेबल का मतलब वैसे व्यक्ति हैं जिनको हमें कुछ सिखाया जा सकता है अगर यस अगर आप कोचेबल हैं अगर आप ग्रोथ माइंड रखते हैं कि नहीं मुझे जो पता है वो तो कुछ ही है थोड़ा ही है अभी बहुत कुछ है जानने को अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो आप लिख सकते हैं कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं है ना या आप यस लिख सकते हैं रेडी टू लर्न लिख सकते हैं या रेडी लिख दीजिए रेडी लिखें तब भी मुझे पता चल जाएगा कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। ओके सो ज्यादातर लोग जो आज हमारी मीटिंग में हैं और बेस्ट पार्ट इस हैं वो अभी तक भी यहाँ पे हैं। दिखाता है आपकी यू नो डेडिकेशन को सो so, अगर आप सीखने के लिए तैयारेटली एस एस पी एल के अंदर कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है बिकॉज एस एस का जो पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है वो आपको कोच करने के लिए आपको सिखाने के लिए रेडी है इसी के तहत आप देखेंगे हमने अपने जूम वेबिनार को भी बढ़ा दिया है जो कि डेली हम बस एक वेबिनार करते थे ऑफिशियल लेवल पर रात में आठ बजे के साथ साथ सुबह बजे भी हम यहां पे यू नो एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट हमने कर दिए हैं स्वामी करना क्या है खुद भी अप, और अपनी टीम के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इस आ, सुबह की मीटिंग्स में यहाँ पे लाना है राइट नेक्स्ट लॉइज इट्स अ टीम वर्क जी हाँ दोस्तों एक उन, एक जो उंगली आप मेरी देख रहे हैं ये सिर्फ एक सिंगल उंगली है बट अगर एक के बाद दो आती है तो एक और एक ग्यारह हो जाती है और अगर तीसरी भी साथ आ जाए तो और बढ़िया और जब ये पांचों का पावर पंच साथ आता है ना तो ये मुक्का बन जाता है राइट सो ये पांच का पावर पंच का मतलब है कि पूरी टीम साथ में अगर है पूरी टीम जो आपकी टीम के अंदर है ना पूरी टीम वर्क के साथ काम करना है देखिए आपकी टीम के अंदर कई प्रकार के लोग होते हैं और सबके पास अल अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं एक इंटेलिजेंट एक समझदार अपलाइन वो है जो कि अपनी टीम के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी रखते जिसके अंदर क्या पॉजिटिव है किसी को हो सकता है प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज हो कोई प्लान दिखाना बहुत अच्छा जानता हो किसी को शेयर और शायरी बहुत अच्छी आती होगी सो आपको एज अ लीडर देखिए लीडर कौन होता है जो चीजों को मैनेज कर पाए आपको अपनी टीम को मैनेज करना आना चाहिए मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छी टीम है बड़ी टीम है बट डोंट नो कि हम टीम से के साथ काम कैसे करें टीम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें सो यू शुड नो कि आपकी टीम के अंदर एक आ, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बल्कि आप लोगों से पूछ ही लेता हूँ मैं चैट बॉक्स में क्या मछली को अगर आप बोलोगे पेड़ पे चढ़ो वो तो कितनी भी टैलेंटेड होशियार मछली हो पेड़ पे चढ़ जाएगी शायद नहीं क्या आ, आप यू you नो know, बंदर को बोल सकते हो कि पानी में तैरो उसके लिए टफ होगा तो आप अगर आपके पास दोनों चीजें हैं पानी भी है और पेड़ भी है बट आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा आ, लीडर मछली की क्वालिटी देखता है तो उसको पानी में आप तैरा दोगे तो वो बहुत सफलतापूर्वक तैरेगा राइट सो यू शुड नो अपनी टीम के बारे में किसके अंदर क्या क्वालिटी है आपकी टीम में हो सकता है बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हों जो प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं आप उनको उस चीज के अंदर मास्टर कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट ये बताएंगे आज की मीटिंग में सो so, हमें पता होनी चाहिए ये जब आप पता करोगे तो आप अपने लोगों को इनकरेज करेंगे टीम वर्क की भावना आपकी टीम के अंदर आएगी राइट सो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर ये लाइन हमेशा 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 हमें याद रखती है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर जी हाँ दोस्तों टीम के अंदर भी हम लोग सफल हो सकते हैं अकेला व्यक्ति इस व्यापार में कुछ नहीं कर सकता है हमें यहाँ पर यू you नो know, टीम में काम करना है अपलाइन से सीखना है डाउनलाइन को सिखाना है और आगे बढ़ना है एक लाइन एक सेंग शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी बट तो मैं आप रिपीट करना चाहूंगा हमारे व्यापार में एक बात कही जाती है अपलाइन से सीखो कैसे डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे और बीच में से कमाओ बहुत सारे पैसे अपलाइन से सीखो कैसे डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे और बीच में से कमाओ ढेर सारे SHPL से पैसे सफलता तो उसके लिए क्या करना है अपलाइन और डाउनलाइन के के साथ साथ मिलकर मिलकर काम काम करना है तो क्या आप साथ के काम करना के लिए तैयार हो रेडी हो अगर आप टीम वर्क में काम करने के लिए तैयार हो तो आप टाइप करिए चैट बॉक्स में टीम आप टीम लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपके अंदर टीम वर्क भावना है सफीक जी ने लिखा है अहमद जी ने टीम ओके सुनील जी मंजूनाथ जी हेमा जी काजल जी भानु जी अवनाश जी बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टीम और बहुत सारे लोग नहीं भी लिख रहे हैं यानी कि उन लोगों ने अभी तक हैबिट डेवलप नहीं करी है प्रोएक्टिव होने की राइट देखो ये भी तो एक टीम वर्क है चैट बॉक्स में टाइप करना अगर मैं बोलूँ और एक ही दो लोग टाइप करें तो मुझे क्या लगेगा कि शायद ये जो आज की टीम है आज की हमारी जो जूम की टीम है ये पूरी तरीके से काम नहीं कर रही बट अगर पूरे के पूरे लोग टाइप करेंगे तो ये कि पूरा टीम यानी कि पूरे के पूरे प्लेयर फील्ड में एफर्ट मार रहे हैं जैसे क्रिकेट का मैच में अगर एक प्लेयर भी एफर्ट ना मारे ना तो उस साइड की फील्डिंग कमजोर हो जाएगी राइट और उस साइड से चौके ज्यादा जाएंगे सो नेक्स्ट मेक्स ड्रीम वर्क जी हाँ दोस्तों अगर हमें ड्रीम को अचीव करना है तो टीम में काम करना होगा बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा एसएसपी का बिजनेस है ये टीम का बिजनेस है, है राइट और आखिरी जो रूल है दोस्तों वो है नेवर 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 क्विट कभी भी कभी भी कभी भी हमें क्विट नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए एक चीज हमेशा याद विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर बिन मैं फिर से रिपीट करता हूं विनर्स नेवर क्विट जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है एंड क्विटर्स नेवर विन जो छोड़ देते हैं वो कभी जीत सकते नहीं है क्योंकि उन्होंने छोड़ दिए वो कैसे सीख सकते हैं है ना हर दिन एक नई शुरुआत होती है हर दिन एक नया दिन है आ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर कोई सफल होता है आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो वो जब इजाद करते हैं ना किसी चीज का तो उसके पीछे बहुत सारे बहुत सारी बार उनको शायद सफलता नहीं मिलती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी के घरों में बल्ब लगाओ बल्ब का आविष्कार किसने किया है हम सब जानते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया है थॉमस अल्वा एडिशन ने किया तो एडिशन ने दोस्तों जी सुनील जी थैंक यू आपने बताया यहाँ पे सो so, बल्ब का जो आविष्कार है एडिशन ने किया दस हजारवीं बार में उसने बल्ब का आविष्कार दोस्तों किया तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपको तो बहुत देर में सफलता मिली आप तो बहुत बार फेल हुए तो उसकी स्पीच जो थी दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करेगी इस बिजनेस में उसने बोला कि नहीं मैं तो फेल एक भी बार नहीं हुआ उसने बोला कि दस हजारवीं बार मुझे वो धातु पता चली जिससे बल्ब जलता है और उसके पहले नौ हजार नौ सौ निन्यानवे बार मैंने वो सारे तरीके जान लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता बल्ब नहीं जलता है वो सारी धातुओं का मैंने इजाद कर लिया है तो अगर आपने प्लान दिया फॉलो अप लिया व्यक्ति आपके साथ इस व्यापार में नहीं जुड़ा तो आप उससे यह सीख सकते हो कि वो कौन से जवाब थे जिनको देने से ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया इन जवाबों को मुझे कल से दोबारा यूज नहीं करना है और किन बातों को करके किन चीजों को यूज करके लोग ज्वाइन करते हैं या रिटेल होता है या सफल यू you नो know, इस बिजनेस में आउटकम मिलते हैं पॉजिटिव उन चीजों को मैं करूंगा तो कुछ भी यहां पे फेलियर और सक्सेस नहीं है पे आप या तो सीखेंगे या जीतेंगे right? या तो ऐसे या तो सर्व सीरियन सीखते हैं या जीतते हैं सर्व सीरियन कभी हारते नहीं है एस एच पी एल के लोग कभी नहीं हारते हैं या तो हम सीखते हैं या जीतते हैं एम आई क्लियर सो पेशेंस पे यानी कि हमें अगर हम सब्र के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हम प्रेज होंगे हमें यू नो यहाँ पे सफलता मिलेगी हमें यहाँ पे यू you नो know, इनाम रिवॉर्ड मिलेंगे सो so, मैं समराइज कर देता हूँ आज जो दो, दोस्तों हमने डिस्कस किया इस मीटिंग के अंदर तो सेवन स्टेप्स और फाइव लॉस डिस्कस किए यू नो वो रूल्स हैं लाइक नंबर वन था ड्रीम नंबर टू है मेक लिस्ट नंबर थ्री इनविटेशन नंबर फोर सोदा प्लान नंबर फाइव यहाँ पे फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा बट मैं उसको रिपीट कर देता हूँ ड्रीम है वो पहला uh, है टेक ओनरशिप सो ये सात स्टेप है इसके बाद जो पांच रूल हमने डिस्कस किए थे थ्री हमें सीखने के लिए तैयार रहना है नंबर फोर इट्स वर्क नंबर फाइव नेवर मैंने आपको बताया जीत यू नो जीतने वाले कभी क्विट नहीं करते हैं और क्विट करने वाले कभी जीतते नहीं है सो so, आप चाहे तो इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं और आपने आई थिंक डायरी में चीजों को नोट जरूर किया होगा अगर आपने नोट किया है तो आप इन सभी चीजों को आज फिर से यू नो इन चीजों को रिपीट दोबारा देखें सीखें बार बार इनको पढ़ें और आप इस सिस्टम को फॉलो करें एक अपने लिए पूरी प्लान तैयार करें एक्शन प्लान रेडी करें क्योंकि जिम रॉन जो एक बहुत अपनी सदी के महान यू नो मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच रहे उन्होंने एक बात कही है इफ यू डोंट डिजाइन योर ओन लाइफ प्लान अगर आप अपने लिए अपने जीवन के लिए कोई प्लान नहीं बनाएंगे तो आप जिंदगी भर किसी दूसरे की प्लान के लिए काम करते रहेंगे यानी किसी दूसरे की सफलता के लिए जो उसने प्लान बनाया है उसके लिए काम करते रहेंगे तो इससे अच्छा है अपने लिए प्लान बनाए एंड यस यू कैन आप कर सकते हैं ये बिजनेस बहुत ही आसान है अगर आप सिस्टम से करते हैं और यस यू कैन तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस आई कैन आप लिख सकते हैं आई कैन आई कैन लिख सकते हैं कि मैं कर सकता हूं ओके आई कैन सो फाइनली मैं पूछना चाहूंगा आपसे

कौन कौन सा वो सफलता का पाथ था जो उसने चुना कितनी ज्यादा उसने फील्ड में दौड़ भाग करी कितने ज्यादा प्लान दिए कितना ज्यादा एजुकेशन लिया कितने ज्यादा से ज्यादा उसने ट्रेवलिंग करी या जूम मीटिंग्स करी उन सभी चीजों को भी हमें जानना होता है तब हम उस तब हम समझ पाएंगे कि उस इनकम को उस सफलता को उसने कैसे अचीव कर तो अगर वो काम आप भी करेंगे तो डेफिनेटली आप भी सफल होंगे तो so, दोस्तों ये था आज का सेशन अगर आपको आज का सेशन यू you नो know, आपको प्रोडक्टिव लगा डेफिनेटली तो आप इसको इन चीजों को फॉलो करें और कोई दूसरा विकल्प नहीं है फिर से कहना चाहूंगा सिस्टम को फॉलो करना तो पड़ेगा आप करेंगे तभी आपकी टीम के लोग करेंगे सो so, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं रोहित कुमार एस एस पी एल वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो